हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। हम लोग देख रहे थे प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स की बेसिक थ्योरी क्लास के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो इस डिस्कशन को जरा आगे कंटिन्यू करते हैं। उस डिस्कशन से पहले, दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम आप लोग लिंक फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी दे रखी है। इसके अलावा कुछ कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं, जैसे प्रीलिम्स की सीरीज हो गई, मेंस की सीरीज हो गई। इन सबके सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है और जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड वंस है, दे कैन ऑब्वियसली ज्वाइन देयर, ठीक है। बाकी इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज, दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। इसके बाद हम लोगों ने इनिशियल डेज में अगर बात करें क्या बातें की थी, तो हम लोगों ने पहले मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया था, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस आरबीआई, फिर हम लोगों ने बहुत सारे बैंक्स के बारे में डिस्कस किया था, कोऑपरेटिव बैंक, देन वी टॉक्ड अबाउट आवर बैंकिंग रिफॉर्म, फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में डिस्कस किया था, फिर हम लोगों ने बेसल नॉर्म्स के बारे में बात किया था, एंड देन वी मूव टुवर्ड्स मनी फ्लो के बारे में बात किया था, फिर हम लोगों ने नई पॉलिसी के बारे में, क्या नया मेजर लिया रहा है उसके बारे में बात किया, फिर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ मनी की पावर के बारे में बात किया, फिर क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात किया, एंड देन हम लोग एटीएम के बारे में बात किए हुए थे। इस एटीएम के बाद हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन आती है, वो नेक्स्ट डिस्कशन आती है असेट्स के ऊपर। अब क्वेश्चन ये होता है कि असेट्स क्या होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेट। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे हम लोगों ने अभी तक बैंक के बारे में जो भी बात किया था, उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि यहां पर क्या होती है, डिपॉजिशन होती है, इस डिपॉजिशन के साथ साथ क्या होती है, यहां पर लोन दिया जाता है। अब लोन ऐसे अंधाधुन तो दिया नहीं जाता है, इसके बदले में एक कोलैटरल रखवाया जाता है, कोलैटरल। और इस कोलैटरल में, जैसे मान लीजिए 1 लाख की जो है कोलैटरल की अमाउंट है, तो इस कोलैटरल के बेसिस पे यहां पर 60-70% वैल्यू ऑफ कोलैटरल का लोन दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 1 लाख है, कितना बन जाएगा लोन, 60-70,000 लोन दे दिया जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, बैंक के पास इस तरीके से असेट जमा होते जाते हैं, लेकिन ये असेट ये लोग डायरेक्टली सेल आउट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली सेल आउट नहीं कर सकते हैं। इनके लिए इनको बैंक्रप्सी, मतलब इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी प्रोसीजर के थ्रू होकर के गुजरना पड़ता है, एंड देन दे कैन सेल ओनली दोज असेट्स जिसके लिए ये बंदा डिफॉल्ट किया हुआ है। हालांकि बहुत ही लॉन्ग प्रोसीजर होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होती है, इतना जल्दी आसानी से नहीं होती है। तो इस वजह से होता क्या है कि बैंक वालों के पास ये जो लोन की लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी लगातार बढ़ते जाती है। और हम लोगों ने देखा है कि लगातार इनपे जब प्रेशर बनते आता है, तो इनके पास एक समय होगा कि फंड खत्म हो जाएगा, और जैसे ही फंड खत्म होगा वैसे ही इनके ऊपर एक इमरजेंसी कंडीशन आ जाएगी, और वहां से फिर हमें आरबीआई वगैरह को बुलाना पड़ जाएगा, मेजर वगैरह लेना पड़ जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर जो ये असेट सिस्टम आया है, इस असेट सिस्टम पर डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज, डिफरेंट टाइप ऑफ कंसेप्ट तैयार हो जाते हैं, जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है। तो इनके बारे में फटाफट देखते आते हैं। एक होती है जिसको बोलाता है स्ट्रेस्ड असेट। स्ट्रेस्ड असेट का मतलब क्या होता है, इट इज ए ब्रॉडर टर्म एंड कंप्राइज ऑफ एनपीए। जो हम लोगों ने एनपीए के बारे में देखा था, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट, अभी हम लोग इसका वैसे डिटेल डिस्कशन करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि एनपीए क्या होती है, किस तरीके के असेट को हम लोग एनपीए बोलेंगे, ठीक है। तो इट इज अ ब्रॉडर टर्म कंप्राइज ऑफ एनपीए, तो जो भी एनपीए मतलब जो लोग भी डिफॉल्ट कर गए हैं। इसके अलावा रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स, रीस्ट्रक्चर्ड लोन और रिटर्न ऑफ असेट्स। अब इन दोनों का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। और यहां पर हम लोग एक टर्म बात करेंगे, हेयर कट, हेयर कट के बारे में। अब ये क्या चीज है, ये सारे के बारे में सुनिएगा। अब जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई बंदा था जो डिफॉल्टर है, ठीक है। इसने क्या किया, 10 लाख रुपए लोन लिया है, इसने 10 लाख रुपए लोन लिया है, क्लियर। ये क्या हुआ, 10 लाख रुपए लोन लिया, तो इसके बदले में इन्होंने एक कोलेटरल जमा किया। कोलेटरल जो जमा किया उसकी कीमत, सीधी सी बात है, मान लेते हैं 80% भी अगर दिया होगा, तो इसने 13-14 लाख रुपए मान लेते हैं कि जो होता है 13-14 लाख रुपए की मान लेते हैं असेट इसने गिरवी रखी है, तो असेट इसने कोलेटरल के फॉर्मेट में दे दिया है, क्लियर। अब इसने क्या किया, डिफॉल्ट कर दिया, मतलब कि इसने लोन की जो इन्होंने इंस्टॉलमेंट बना के रखी थी, उस इंस्टॉलमेंट पे इन्होंने पैसा नहीं जमा किया, और इन्होंने बाद में जाकर के अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया, बैंकरप्ट कि भाई मेरे पास अब पैसा नहीं बचा हुआ है, हम लोग नहीं ले सकते हैं, और मैंने आपको जो एसेट दिया हुआ है आप उसकी नीलामी वगैरह करा सकते हैं। लेकिन इस असेट की वैल्यू जरूरी तो है नहीं कि 13-14 लाख रुपए जितनी भी है उतनी पड़ी हो, हो सकता है ये डीवैल्यू कर गई हो। डीवैल्यू करने का मतलब, मान लेते हैं इन्होंने अपने जमीन के पेपर, प्रॉपर्टी के पेपर जो है रखे थे, और उस साल रियल इस्टेट की जो कह लीजिए कि स्टेटस है वो काफी गिर गया। रियल इस्टेट के स्टेटस गिर जाने की वजह से जो 10-14 लाख रुपए के नियर अबाउट में ये जो
मतलब असेट थी ये घट करके पहुंच गई मान लेते हैं 10 लाख रुपए, और इसको जब सेल कर रहे हैं तो सेल करने पे केवल और केवल 7 लाख रुपए ही मिल पा रहे हैं। तो नियरली क्या हुआ, 50% इसकी वैल्यू हो गई और हमें वसूलना कितना था 10 लाख रुपए क्योंकि लोन था। तो अब क्या है, जब भी इस तरीके की कंडीशन होती है कि पूरा अमाउंट हम नहीं निकाल पाते हैं तब तक बैंक कभी इसको सेल आउट नहीं करती थी। तो इसके लिए अब क्या हुआ, लगातार बैंक के ऊपर क्या हुआ, स्ट्रेस्ड असेट बढ़ते जा रहे होंगे, स्ट्रेस्ड असेट लगातार बढ़ते जा रहे थे जिसके कारण से इस तरीके की सिचुएशन बढ़ते जा रही थी। यहां से एक न्यू टर्म निकल के आया, एक नया नॉर्म आया, न्यू नॉर्म आया, न्यू टर्म निकल करके आया जिसका नाम है हेयर कट। यहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन्होंने कहा कि देखिए एक बैलेंस शीट बना लीजिए, एक बैलेंस शीट बना लीजिए, और बैलेंस शीट में आप लिख लीजिए कि लोन कितना दिया गया था, लोन दिया गया था 10 लाख रुपए, असेट कितने का है, केवल और केवल 7 लाख रुपए तक का असेट हम निकाल पा रहे हैं। तो एक काम करिए, इसको आप सेल आउट करिए, और सेल आउट करने के बाद इसको 7 लाख रुपए जितना पैसा निकल गया, तो जो 10 लाख रुपए का लोन है, इस 10 लाख रुपए का दिस इज लोन, एक काम करिए 7 लाख रुपए से जो भी आपने सेल आउट किया उसको आप यहां से मिटा दीजिए, और 3 लाख रुपए अब लिख दीजिए कि लोन अमाउंट खाली इनके ऊपर में बचा हुआ है। तो ये जो 7 लाख रुपए यहां से इन्होंने मिटा दिए उसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ असेट, रिटर्न ऑफ असेट। क्लियर हो गया? तो ये जो रिटर्न ऑफ असेट है इसका मतलब है कि जितना असेट मतलब जो भी गिरवी रखा गया था, जो भी कोलेटरल रखा गया था, उसको हमने सेल आउट किया और उस सेल आउट से लोन की अमाउंट को हम लोगों ने हटा दिया। और ये लोन का मतलब केवल लोन नहीं है, इसमें इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है, इंटरेस्ट को जोड़ने के बाद तब बात की जा रही है। तो इस तरीके से राइट ऑफ कर दिया जाता है, और इस पूरे प्रोसीजर को, ये पूरा प्रोसीजर जो है इसको बोला जाता है हेयर कटिंग ऑफ लोन, हेयर कटिंग ऑफ लोन, जहां पर आप जितना पैसा निकल सकता है उतना पैसा आप निकाल लेते हैं और अल्टीमेटली जो बच जाता है उसको आप लोग वही रख देते हैं। इसी को बोलते हैं हेयर कटिंग, मतलब बाल को छोटे कर दिया गया है, लोन को छोटा कर दिया गया है, अमाउंट को छोटा कर दिया गया है। क्लियर हो गया क्या चीज है? और इस तरीके से ये हमारा रीस्ट्रक्चर्ड लोन निकल करके आ जाता है, रीस्ट्रक्चर्ड लोन। तो बेसिकली तीनों टर्म का मतलब समझ में आ गया, तीनों टर्म ही आपस में इंटर रिलेटेड है। यानी कि हुआ क्या है, एक लोन अमाउंट हुई है, लोन ये दे नहीं पाए हैं, डिफॉल्ट कर गए हैं, डिफॉल्ट कर जाने के कारण क्या हुआ है कि यहां पर असेट की सेलिंग कर दी गई है, असेट को सेल कर दिया गया है, असेट को सेलिंग करने के बाद रिटर्न ऑफ कर दिया गया है, रिटर्न ऑफ करने के बाद कुछ लोन अमाउंट बच गई है। तो जो लोन अमाउंट बच गई है इसको हम लोगों ने बोला है क्या कि दिस इज रीस्ट्रक्चर्ड लोन, रीस्ट्रक्चर्ड लोन। और इस पूरे प्रोसीजर को, इस पूरे प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं क्या, हेयर कट, हेयर कट प्रोसीजर। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो ये पूरा का पूरा सिस्टम होता है रीस्ट्रक्चर्ड लोन के बारे में। तब रीस्ट्रक्चर्ड लोन के बारे में देखिए वही चीज लिखी है, असेट और लोन विच हैव बीन रीस्ट्रक्चर्ड बाय गिविंग अ लॉन्गर ड्यूरेशन फॉर रीपेमेंट एंड लोअरिंग इंटरेस्ट बाय कन्वर्टिंग देम टू इक्विटी। तो ठीक है, इक्विटी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रीस्ट्रक्चर्ड होती है। रीस्ट्रक्चरिंग एक दूसरे तरीके से भी होती है, क्या होती है, छोटा सा एग्जांपल लेकर के समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक वोडाफोन की सिम थी, यू हैड अ वोडाफोन सिम, और उस पे क्या है, मान लेते हैं पोस्टपेड है, पोस्टपेड है, और पोस्टपेड पे क्या होता है, कई बार उल्टा फुल्टा बिल बना देते हैं सब। तो मान लेते हैं आपका बिल हर महीने 200 से 300 रुपए आता था, लेकिन एक महीने क्या हुआ, 1000 रुपए आ गया, 1000 रुपए आ गया। और इसमें आपकी भी गलती है, क्यों, क्योंकि आपने बहुत सारे वैल्यू एडेड सर्विसेज इंक्लूड करवा दिए, गलती से हो गया लेकिन हो गया, वैल्यू एडेड सर्विसेज इंक्लूड हो गया। इसके लिए आपको एक मैसेज आया, और मैसेज का आपने रिप्लाई नहीं किया, और रिप्लाई ना करने के कारण आपको वैल्यू एडेड सर्विस दे दी गई, आपका इग्नोरेंस ही आपका ये दिक्कत बढ़ा दिया एक्स्ट्रा रुपए। अब आपने क्या किया, बिल पेमेंट की, बिल पेमेंट वाला दिन आया, आपने बिल पे नहीं किया, आपने कहा नहीं करेंगे। एक महीना चला, एक महीने के बाद लगातार आपको फोन कॉल्स आना शुरू हो गए कंपनी की तरफ से। फोन कॉल्स आने पे क्या कह रहे हैं कि आप अगर नहीं पे करेंगे तो आपके ऊपर लीगल केस लिया जाएगा, लीगल केस किया जाएगा। आपने क्या कहा कि मैंने इतना, मेरा हर महीने इतना ही बिल आता है, 1000 रुपए कहां से आ गया, मैंने तो कोई यूज भी नहीं किया। तो कंपनी वाले ने बताया कि आपने वैल्यू एडेड सर्विसेज इंक्लूड कराई थी, आपने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, और आप मैसेज कर देंगे तुरंत, आप किसी चीज को स्टार्ट कर देंगे, इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। तो अब क्या होगा, कंपनी और आपके बीच में, कंपनी और कस्टमर के बीच में क्या हो जाएगा, स्टार्ट निगोसिएशन। और निगोसिएशन के बाद क्या होगा, ये कहेंगे ठीक है काम करिए, आप 1000 रुपए नहीं, आप जो है 750 रुपए जमा कर दीजिए। आप कहेंगे नहीं अभी भी नहीं करेंगे। तो ये कहेंगे ठीक है काम करिए,
₹550 जमा कर दीजिए। अब इससे नीचे लीगल केस होगा, तो आप कहेंगे ठीक है यार कौन लीगल केस इसमें फटेगा, तो फिर जो है यहां पर क्या है कि आप क्या करेंगे, कहेंगे ठीक है। तो इस चीज को भी बोलते हैं रिस्ट्रक्चरिंग, इस चीज को भी बोलते हैं रिस्ट्रक्चरिंग। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो इसको भी रिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं बेसिकली, जहां पर आप अपनी अमाउंट को कम कर रहे होते हैं। क्लियर। रिटर्न ऑफ असेट का मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कि द असेट विच आर नॉट काउंटेड एज ड्यूज और रिकवर्ड एफर्ट्स आर कंटिन्यूड एट ब्रांच लेवल। फिर बाकी नॉन परफॉर्मिंग असेट के बारे में है। नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या चीज होती है? इट इज अ लोन और एडवांस फॉर विच द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट रिमेन ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज और मोर। क्या केस है, ध्यान से सुनिएगा फिर से, एनपीए का केस हम लोग देखने जा रहे हैं। मान लेते हैं कि आपने 10 लाख रुपए लोन लिए, ठीक है 10 लाख रुपए लोन लिए, 10 लाख से मुझे कोई प्यार नहीं है, बस क्या है आसानी होती है इसीलिए 10 लाख रुपए ले लेता हूं मैं। 10 लाख रुपए लोन लिया आपने और आपका इंस्टॉलमेंट जो बना वो इंस्टॉलमेंट मान लेते हैं कि ₹50,000 पर मंथ बनता है, पर मंथ, ठीक है पर मंथ आपका इंस्टॉलमेंट बन गया। इंस्टॉलमेंट के बाद आपको क्या है 3 महीने तक का पीरियड दिया जाता है कि आप इसको पे कर दीजिए। 3 महीने तक अगर आप पे नहीं करते हैं तो आपको एक नोटिस आ जाती है और नोटिस पे यही होता है कि लोन अमाउंट आप पे नहीं किए इसलिए आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। अब तो फटाफट आप लोन के अमाउंट को जमा कर दीजिए, फिर भी अगर आप नहीं करते हैं तो लीगल केस हो जाती है, पुलिस वुलिस आएगी पकड़ के आपको लेकर के जाएगी, इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई लोन 90 डेज या उससे ज्यादा के लिए पे नहीं किया जाता है तो इस तरीके के केस को बोलते हैं, इस तरीके के असेट, इस तरीके के लोन अमाउंट को बोलना शुरू हो जाता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट। मतलब ये एक असेट बनाया गया था लोन के द्वारा, एक असेट बनाया गया था जो कि अब परफॉर्म नहीं कर रही है, अब उससे रिटर्न नहीं आ रहा है। इन द केस ऑफ एग्रीकल्चरल फार्म लोन्स द एनपीए वेरी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप इंटरेस्ट नॉट पेड फॉर 2 crop season एंड लॉन्ग ड्यूरेशन फॉर इंटरेस्ट कोड नॉट पेड फॉर 1 crop season। तो इस तरीके से अलग अलग सीजन होती है, जैसे 1 साल के लिए या फिर जो होता है वो 6 महीने के लिए, इस तरीके से ये एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर फॉर्म हो गया या फिर कह लीजिए कि एमएसएमई सेक्टर होती गई, तो इनके लिए थोड़े से नॉर्म में चेंजेस होते हैं, अलग होते हैं। लेकिन ये जो हमने बात किया ये हो गया जनरल, और हमें जनरली जानना है, आपको स्पेसिफिक जानने की जरूरत नहीं है। बस आप ये ध्यान रखिए कि कुछ सेक्टर होते हैं जहां पर थोड़ा सा लेवरेज दिया जाता है, थोड़े से लिबरल होते हैं वहां पर छोड़ देते हैं। इसके बाद दूसरा होता है इसी एनपीए में, अब थोड़ी सी सब कैटेगरी देखना शुरू कर देते हैं, इसको बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट में क्या होता है कि अभी तक जो 3 महीने तक कोई इस मतलब रिटर्न नहीं आया उसको बोला गया एनपीए। लेकिन अगर यही चीज 1 साल तक नहीं आती है, मतलब कि 12 months तक नहीं आती है, तो ये बन जाता है क्या, इसको बोलने जाना शुरू स्टार्ट हो जाता है सब स्टैंडर्ड एसेट। अगर यही 12 मंथ से ज्यादा हो जाता है, 12 मंथ प्लस हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं डाउटफुल एसेट। ठीक है, तो इसको बोलना शुरू हो जाता है, 1 second मिटा देते हैं इसको, डाउटफुल एसेट, जहां पर कैटेगरी ऑफ पीरियड जो होती है 12 मंथ जो होती है वो एक्सीड कर जा रही होती है। लॉस एसेट का मतलब होता है जब कोई चीज मतलब अब रिकवरी नहीं की जा पा रही है, तो लॉस एसेट इज कंसीडर्ड और अनकलेक्टेबल एंड ऑफ सच लिटिल वैल्यू दैट इज कंटिन्यूएशन एज ए बैंकेबल असेट इज नॉट वारंटेड although there may be some salvage or recovery value। तो इस तरीके से जो है चीजें हो जाती हैं। तो आपको क्या है NPA क्लियर हो गया होगा, NPA से ज्यादा बड़ा जो ड्यूरेशन होती है वो होती है सब स्टैंडर्ड एसेट के बारे में, इससे बड़ा ड्यूरेशन होता है डाउटफुल एसेट के बारे में, और फिर अल्टीमेटली क्या हो जाती है लॉस हो जाती है। तो इस तरीके से कोई असेट का जिंदगी होता है, असेट जो होती है इस तरीके से मूव कर रही होती है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट होता है डिफरेंशिएटेड बैंक। डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड का मतलब ये होता है अलग अलग काम के लिए अलग अलग बैंक का बना दिया जाना। तो बैंक डिफरेंट बैंक फॉर डिफरेंट पर्पस, डिफरेंट पर्पस। इसका सोल मोटिव क्या है, अगर मैं मोटिव के बारे में बात करूं, अब देखिए जितने भी हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं इसमें सबका खाता नहीं हो पाता है, सबका अकाउंट नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि इनकी पेनिट्रेशन कुछ खास नहीं होती है। इस पेनिट्रेशन के मामले में सबसे अच्छा है इंडियन पोस्ट। क्यों? क्योंकि इंडियन पोस्ट की क्या है, लगातार मतलब हर जगह डाकिया जो होता है वो पोस्ट वगैरह लेकर के जाता है, लेटर्स वगैरह लेकर के जाता ही है। तो इंडियन पोस्ट की पेनिट्रेशन काफी अच्छी है, और उसकी पेनिट्रेशन को देखते ही सरकार ने क्या किया, इनको बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया, बैंकिंग फैसिलिटी। और इस बैंकिंग फैसिलिटी का यही एकमात्र मोटिव निकल के आया जो यहां पे मोटिव था, और वो न था फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को
बैंकिंग एक्टिविटी से इंक्लूड कराना, बैंकिंग एक्टिविटी में लेकर के आना, और यही पूरे इस डिफरेंशिएटेड बैंक का मतलब भी है। द आइडिया ऑफ डिफरेंशिएटेड बैंक वॉज मूटेड बाई नचिकेत मोर कमिटी इन 2014। तो 2014 में यह पूरा का पूरा कंसेप्ट आया, और आया किस लिए? फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। इट कैन बी क्लासिफाइड एज, अलग अलग तरीके के बैंक होते हैं, जैसे पेमेंट बैंक हो जाता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो जाता है, रीजनल रूरल बैंक हो जाता है, लोकल एरिया होलसेल और लॉन्ग टर्म फाइनेंस हो जाता है, बैंक हो जाता है, इस तरीके से अलग 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 टाइप के बैंक हो जाते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट कैटेगरी बैंक्स। क्लियर? होलसेल और लॉन्ग टर्म फाइनेंस बैंक फोकस प्राइमरली ऑन लेंडिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एंड स्मॉल मीडियम एंड कॉर्पोरेट बिजनेस। तो जो हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं वो क्या है, बड़े व्यक्ति को पकड़ते हैं। बड़ा व्यक्ति मतलब जो थोड़ी सी हाई वैल्यूड होता है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, इससे ही इसको फायदा होने वाला है। समझ में आ गया क्या चीज है? तो ये हुआ डिफरेंशिएटेड बैंक के बारे में। थोड़ा सा और अगर इसके डिटेल के बारे में देखा जाए तो बैंक विच कुड बी डिफरेंशिएटेड ऑन द अकाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब कि छोटे से बड़े बैंक के रिस्पेक्ट में। छोटा बैंक मतलब जहां पर कैपिटल कम होगा, पेनिट्रेशन कम होगी, उसकी रिजर्व रेशियो वगैरह कम होगा। स्कोप ऑफ एक्टिविटी एंड सर्व द नीड ऑफ सर्टेन डेमोग्राफिक सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन आर कॉल्ड एज डिफरेंशिएटेड बैंक, या इसी को बोला जाता है नीच बैंक। नीच बैंक, देखिए नीच वर्ड आप लोग कई बार सुनेंगे, इनफैक्ट इन्वायरमेंट में भी नीच का वर्ड सुनेंगे। नीच का मतलब क्या होता है? नीच का मतलब होता है जो वहां का कह लीजिए कि डोमिनेटिंग होता है, या फिर बोल सकते हैं कि जहां पर इंडिजिनस होता है। इंडिजिनस नीच का मतलब होता है जहां लोकल स्पीसी, जैसे मान लेते हैं कि किसी एक मोहल्ले का एक स्पीसी लोकल जरूर होता है, तो इस लोकल स्पीसी को ही बोला जाता है नीच। क्लियर हो गया? ओके इसके बाद होता है बैंकिंग करस्पॉन्डेंट। व्हाट इज दिस बैंकिंग करस्पॉन्डेंट? जैसे कई बार क्या होता है, एक बंदा होता है, जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा आईसीआईसीआई बैंक वगैरह वाले क्या होते हैं कि कुछ बंदे रखे रहते हैं, और ये बंदे क्या होते हैं, लगातार होम टू होम जाते हैं, हाउस टू हाउस जाते हैं, और फोन करने पे जाते हैं, या फिर आप कोई इशू उठाते हैं तो किसी भी तरीके से ये लोग पहुंचते हैं और क्या करते हैं, बैंक के बारे में जानकारी देना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा अगर आपको अकाउंट वगैरह खोलना होता है तो हाथों हाथ ये लोग अपना टैबलेट निकालेंगे, फटाफट आपकी इन्फॉर्मेशन भरेंगे, फटाफट आपका बैंक अकाउंट खोल देंगे। जैसे ही बैंक अकाउंट खोलेंगे, हाथों हाथ आपको एटीएम कार्ड भी दे देंगे, आपको चेकबुक भी दे देंगे, आपको पासबुक वगैरह दे देंगे। मतलब आपको क्या है, 5 मिनट के अंदर अंदर सारी बैंकिंग फैसिलिटी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके के लोगों को बोला जाता है बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट। क्लियर? तो दे आर इंडिविजुअल एंटिटी एंगेज्ड बाय अ बैंक इन इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विस इन अनबैंक्ड अंडर बैंक ज्योग्राफिकल टेरिटरी। क्लियर हो गया? द वर्क एज अ एजेंट ऑफ बैंक एंड सब्स्टिट्यूट फॉर द ब्रिक एंड मोर्टार ब्रांच ऑफ द बैंक। तो इस तरीके से चीजें हो जाती हैं। क्लियर हो गया? तो बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट का मतलब क्या है, जो बंदा है पहुंचेगा अलग अलग घरों में और इस तरीके से चीजों को फाइनेंशियल एक्टिविटी करवा रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है, वो आता है हमारा एनबीएफसी सेक्टर। एनबीएफसी को बुलाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। क्या है इसके बारे में, पहले काम करते हैं इसके बारे में जरा सुन लीजिए, आप समझ जाएंगे पूरी चीजें क्या है। तो यहां से नाम ही बोलता है दिस इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ठीक है? इकोनॉमिक सर्वे में, हालांकि मैंने इसको काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं कि इकोनॉमिक सर्वे एक बार वॉच आउट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कई सारी चीजें बताई गई हैं। इनफैक्ट इकोनॉमिक सर्वे की जो यहां से फाइंडिंग निकल के आई है वो भी मैं यहां पर बताऊंगा कि आखिर में क्या फाइंडिंग है। देखिए पहले फिलहाल देखते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होते क्या है। दे आर नॉन बैंकिंग मतलब कि ये बैंक नहीं है, एक बात तो ये श्योर हो गया। दे आर नॉट द बैंक्स, तो ये बेसिकली क्या होती है, एक कंपनी होती है जो कि फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रही होती है। बहुत सारे बैंक, बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रही होती हैं। जैसे एक नाम मैं लूंगा, जैसे गोल्डमैन सैक्स हो गई, ये जो होता है बैंकिंग एक्टिविटी में काम कर रही होती है। इसके अलावा नंबर ऑफ कंपनीज आर देयर जो कि फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रही होती है, लेकिन ये रजिस्टर्ड कहां होती है, ये लोग रजिस्टर्ड होती है कंपनी एक्ट में, कंपनी एक्ट 1955, इसमें ये लोग रजिस्टर्ड होते हैं। रजिस्टर्ड होने के बाद सीधी सी बात है, अपना काम करना शुरू करेंगे, फंक्शन करना शुरू करेंगे। और चूंकि ये कंपनी है तो इस वजह से इनको क्या है, आरबीआई क्या रेगुलेट कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, आरबीआई रेगुलेट नहीं कर सकता है। व्हाई? बिकॉज दे आर कंपनी, दे आर जस्ट डूइंग देयर वर्क इन फाइनेंशियल सेक्टर। किस तरीके की वर्क कर रही होती है? डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क कर रही होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क का मतलब क्या हो गया, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा बजाज आलियांज।
क्या करती है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस। इसके अलावा आपने सुना होगा बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस क्या कर रही होती है, फाइनेंस प्रोवाइड कर रही होती है। इन दोनों का नाम कभी भी आपने क्या बैंक के रूप में सुना है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये बैंक है ही नहीं। करती क्या है ये, ये आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही होती है और साथ में फाइनेंस करवा रही होती है। मतलब क्या है, मान लीजिए आपको जो होता है कोई बड़ा आइटम लेना है, जैसे मान लेते हैं कि आपने एक फ्रिज खरीदा और फ्रिज आपका 1 लाख रुपए का है, बड़ा हाई फाई बढ़िया लग्जरियस आपने फ्रिज खरीदा, पैसे कमी थोड़ी ना है। तो आपने फ्रिज खरीदा और तुरंत के तुरंत बजाज, ये बजाज फाइनेंस वाले लोग आ गए और तुरंत कहे कि आप क्या इसको EMI करवाना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल करवाना चाहते हैं, 1 लाख रुपए कौन हाथों हाथ देगा। तो बजाज फाइनेंस वाले कहेंगे तुम एक काम करिए, आप अपना फॉर्म वगैरह फिल कर दीजिए, पैन कार्ड वगैरह डिटेल दे दीजिए और हम इनको पैसा दे देते हैं। तो होता क्या है, EMI का मतलब ये नहीं होता है कि आप कंपनी को पार्ट वाइज पैसा दे रहे हैं, एक्चुअल में कंपनी को एक साथ ही पैसा मिलता है, पूरा 1 लाख रुपए पूरा मिलेगा। पैसा 1 लाख रुपए देगा कौन, जैसे मान लीजिए आपने LG का फ्रिज खरीदा एंड यू हैव परचेज दैट फ्रिज फॉर वर्थ 1 लाख रुपी, 1 लाख का है, तो आपने 1 लाख ना देकर के आपने क्या कहा, इसको EMI करा दिया। EMI आपने कराया है मान लेते हैं 12 मंथ्स की, मान लेते हैं 12 मंथ्स की कराई आपने EMI, ठीक है। 12 मंथ की कराने में आपको मान लेते हैं कि हर महीने आपका नियर अबाउट कितना पड़ेगा, मान लीजिए कि 9,000-10,000 रुपीज पर मंथ पड़ रहा है, 10,000 रुपीज पर मंथ पड़ रहा है, ठीक है। तो आपका क्या है, 1 लाख रुपए हुआ सो हुआ, प्लस आपका क्या है कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट बना वो चला गया इंटरेस्ट में, ठीक। ये इंटरेस्ट क्या है, ये बजाज फाइनेंस कमा रहा है। बजाज फाइनेंस अपने पास पैसे रखे हुआ है, इसने क्या किया, हाथों हाथ LG को अपना 1 लाख रुपए थमा दिया और अब ये सीधे इनसे कॉन्टैक्ट करेगा और 1 लाख रुपए अपना वसूलेगा, सो वसूलेगा जो इसने दिया है, प्लस कुछ इंटरेस्ट कमाएगा और इस तरीके से अपना पूरा का पूरा बिजनेस कर रहे होते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये कोई बैंक नहीं है, इन्होंने क्या है एक तरीके से मनी लेंडर के तरीके से ये लोग आए और आपको पैसा दिए और बेसिकली आपको एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कमा करके अपनी कंपनी को चला रहे हैं और इस पूरे सिस्टम को, इस तरीके की कंपनी को बोला जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। क्लियर हो गया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है। इसके अलावा थोड़ा सा और देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने नाम सुना होगा रेलिगेयर के बारे में, रेलिगेयर हो गया, या फिर सुना होगा आपने कार्वी हो गया, या सुना होगा आपने शेरखान हो गया, तो बहुत सारे हैं। तो ये सारी कंपनी क्या करती है, ये सारी क्या है कंपनी है जो कि शेयर ट्रेडिंग कर रही होती है, या फिर कह सकते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में ये भी तो काम कर रही है, फाइनेंशियल सेक्टर में ये भी काम कर रही है और वो है शेयर मार्केट, शेयर मार्केट कमोडिटी मार्केट इसमें काम कर रही है। तो ये कंपनी क्या करती है, दो तरीके से काम करती है। एक कंपनी की जहां पर आप खुद पहुंचेंगे, अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे और आप डायरेक्ट ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे, डायरेक्ट ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे। यहां पर यू हैव टू ऑप्शन, एक ऑप्शन है सेल्फ ट्रेड, खुद ट्रेड करना चाहते हैं, दूसरा ऑप्शन है ब्रोकर के थ्रू, ब्रोकर के थ्रू। लेकिन यहां पर क्या है, रिस्क बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली आप मार्केट के संपर्क में है, मार्केट के संपर्क में है, तो यहां से सब लोग नहीं कर पाते हैं, मुश्किल होती है शेयर ट्रेडिंग करना, बहुत मतलब समझिए गट्स का काम है। तो ये तो छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। दूसरा क्या होता है, ये कंपनीज क्या निकालती है, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड्स निकाल रही होती हैं। म्यूचुअल फंड क्या होती है, एक तरीके का यहां पर फंड होता है जो कि बनाया जाता है और आम जनता इसको खरीद रही होती है। दे आर मोर सेफर देन दिस। इसमें होता क्या है कि रिटर्न काफी ज्यादा होता है एक तो पहली बात, लेकिन ये रिटर्न ऑब्वियसली इससे कम ही होगा क्योंकि यहां पर सेफ गेम खेल रहे हैं। तो यहां पर जनता क्या करती है, म्यूचुअल फंड परचेज कर लेती है और इस तरीके से इस कंपनी के पास आ जाता है पैसा। मान लेते हैं कंपनी के पास अगेन 10 लाख रुपए आ गया इस तरीके के म्यूचुअल फंड को बेचने के बाद। अब कंपनी क्या करेगी, शेयर ट्रेडिंग करेगी इसी 10 लाख के बेसिस पे, शेयर ट्रेडिंग करेगी। शेयर ट्रेडिंग करने में मान लेते हैं 10 लाख का इन्होंने कमा लिया 20 लाख रुपए, 20 लाख पे क्या होगा कि कुछ परसेंटेज ये अपने पास रखेगी और बाकी का परसेंटेज ये रिटर्न कर देगी और कहेगी देखिए म्यूचुअल फंड से आपको इतना फायदा हुआ है और ये पैसा आप अपने पास रख लीजिए। मान लीजिए इन केस लॉस हो गया 9 लाख रुपए, अब क्या होगा, कंपनी अगेन कुछ परसेंटेज अपने पास रखेगी और आप बाकी आपको दे देगी और कहेगी लॉस हो गया। और इस तरीके से म्यूचुअल फंड जो होते हैं दे आर रिस्कियर ऑल्सो, ये रिस्की है, पूरी तरीके से ये सेफ नहीं होते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क म्यूचुअल फंड
हमेशा बोला जाता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, लेकिन इसी रिस्क का तो पैसा है, इसी रिस्क का पैसा है। जैसे क्या होता है, यू गाइस आर प्रिपेयरिंग हार्ड फॉर यूपीएससी एग्जाम और यूपीपीसीएस एग्जाम, जो भी एग्जाम है, ठीक है, एंड यू हैव टेकन अ रिस्क। आपने अपना वन ईयर का प्रिपरेशन या टू ईयर का प्रिपरेशन किया और बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, रिस्क ही तो खेल रहे हैं। रिस्क में अगर क्या है, सक्सेस हो गए तो आपकी जिंदगी बदल गई, लाइफ चेंज, फटाफट लाल बत्ती आ गई। फेल हो गए क्या है, दुनिया भर के लोग आ जाएंगे आपको कोसने के लिए और दुनिया भर के लोग कहेंगे अरे मैं तो पहले ही बोला था कि तुमसे नहीं हो पाएगा। तो अगेन क्या है, रिस्क। रिस्क से दोनों चीजें हो सकती हैं, सक्सेस भी हो सकता है, फेलियर भी हो सकता है। बस ये क्या है, मेहनत करने की जरूरत है। यहां पर समझ में आ गया एनबीएफसी का मतलब। तो एनबीएफसी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विस विदाउट मीटिंग द लीगल डेफिनेशन ऑफ ए बैंक। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट अ बैंक, दिस इज बेसिकली क्या है, एक कंपनी होती है। क्लियर। इट कैन एंगेज इन बिजनेस ऑफ लोन, लोन दे रही होती है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा बजाज फाइनेंस के फॉर्मेट में एडवांस कर रही होती है। एक्विजिशन ऑफ शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर, सिक्योरिटीज इश्यूड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, जैसे कारवी वगैरह का एग्जाम्पल देखा हम लोगों ने, एंड अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज, लीजिंग, हायर परचेज, इंश्योरेंस। अब जैसे क्या है, हाउसिंग को लेकर के बहुत सारी कंपनीज होती हैं, जैसे कह लीजिए कि ILNFC, ये भी क्या है, ये एक तरीके की क्या है, मतलब एनबीएफसी ही है जो कि हाउसिंग सेक्टर में काम कर रही होती है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर रही होती है। इसके अलावा DHFL का नाम आपने सुना होगा, दीवान हाउसिंग फाइनेंशियल लिमिटेड, अगेन ये क्या है, हाउसिंग के लिए लोन दे रही होती है। तो एक तरीके से अगेन क्या है, हाउसिंग के लिए हो गई। इंश्योरेंस बिजनेस के लिए अभी हम लोगों ने देखा बजाज आलियांज के बारे में। तो इस तरीके से आपको एक आइडिया लग गया होगा एग्जाम्पल के थ्रू कि कौन कौन सी एनबीएफसीज हमारे यहाँ पे मार्केट में प्रेजेंट है। क्लियर। चिट फंड वगैरह, चिट बिजनेस वगैरह चलती रहती है, तो चलिए खैर ठीक है। इट डज नॉट इंक्लूड एनी इंस्टीट्यूशन हूज प्रिंसिपल बिजनेस इज दैट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। इनका क्या है, प्रिंसिपल बिजनेस एग्रीकल्चर नहीं होता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, परचेज ऑफ गुड एनीथिंग। तो ये इस तरीके से चीजें हो जाती हैं। इट कैन ईदर बी डिपॉजिट टेकिंग और नॉन डिपॉजिट टेकिंग, दोनों चीजें हो सकती हैं, पैसा ले भी सकती हैं, नहीं भी ले सकती हैं, दोनों चीजें हैं। क्लियर। अब जरा क्वेश्चन एक आता है कि हमारे पास आती है पेमेंट बैंक और स्मॉल बैंक। तो यहां पर आपको पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी एनबीएफसी के बारे में, क्या चीज है एनबीएफसी। अच्छा, यहां पर एक चीज है चिट फंड के बारे में, चिट बिजनेस के बारे में। तो चिट फंड आपने एक नाम सुना होगा, चिट फंड, इनफैक्ट आपने एक मूवी भी देखी होगी, हेरा फेरी, हेरा फेरी। इसमें आप क्या होता है, चिट फंड का पैसा लेकर के जो लड़की रहती है वो भाग जाती है। जो लड़की भागती है वहां पर बाकी उसके आगे की कहानी नहीं बताई, उसके आगे की कहानी मैं आपको दिखाता हूं। इसको बोला जाता है पोंजी स्कीम, पोंजी स्कीम। अब ये पोंजी स्कीम क्या है, ध्यान से सुनिएगा अगेन। कई सारे प्रोडक्ट का आपने नाम सुना होगा, जैसे एक हो गया एमवे हो गया, या फिर इसी तरीके से एक आया था एयर एशिया करके, इस तरीके से एक और स्कीम थी, तो इस तरीके स्पीक एशिया, सॉरी स्पीक एशिया, इस तरीके से एक स्कीम आई हुई थी। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनी इस तरीके से बनी हुई थी। करते क्या है ये लोग, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए दिस इज द कंपनी, इन्होंने कहा कि आप अपने अंडर में दो बंदे जोड़ लीजिए। इन्होंने क्या किया, अपने अंडर में दो बंदे जोड़ लिया, फिर बाकी क्या किया, इन लोगों को बोला गया कि आप दो बंदे जोड़ लीजिए, दो बंदे जोड़ लिया, और बाकी ये बंदा कनेक्टेड विद द कंपनी है। ठीक है, कंपनी के थ्रू कनेक्ट है। इसने क्या किया, इसने 10,000 रुपए का पेमेंट किया इनको, और इनको बोला गया कि आपको साल भर में मैं 10,000 रुपए आप मुझे देंगे, मैं आपको इसको 15,000 रुपए दूंगा। ये इनको लालच दिया गया, 5,000 रुपए साल भर का मार्जिन मांग करके दिया गया। तो ये कंपनी क्या है बेसिकली, दिस कंपनी इज अगेन एनबीएफसी, ये भी एनबीएफसी है। जैसे ही 10,000 रुपए पाएंगे, और ये भी क्या है, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगी। इन्वेस्ट करेंगी कहां पर, कहीं पर भी कर सकती है, रियल इस्टेट में भी कर सकती है भाई, सीधी सी बात है। कहीं पर सपोज, जैसे मैं आपको एक फिर से क्लियर पिक्चर बताता हूं यहां पे इरेज करके। सपोज कोई एक कंपनी है, ये कंपनी क्या है कि रियल इस्टेट में काम करती है, रियल इस्टेट में। ठीक, इनको क्या है, बिल्डिंग बनानी है। बिल्डिंग बनाने के लिए सीधी सी बात है, तमाम ताम झाम चीजें हैं, पहले आप जमीन खरीदेंगे, फिर वहां पर काम करवाएंगे। इन्होंने कहा क्या किया, इन सब में फंसने के बजाय इन्होंने क्या किया, एक अपार्टमेंट में गए और उस अपार्टमेंट के लोगों को बोला कि देखो ऐसा है कि मुझे इस अपार्टमेंट को, जो 4 स्टोरी है, इस अपार्टमेंट को मैं 10 स्टोरी बनाना चाहता हूं। लोगों ने बोला ठीक है बना लो, तुम्हें क्या करना है, लेकिन हम अपना घर नहीं खाली करेंगे। तो इस कंपनी ने क्या कहा कि चलिए ठीक है, एक काम करिए, मुझे 6 महीने का समय लगेगा और 6 महीने में मैं ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन करवा लूंगा। 6 महीने तक मैं आपको क्या करूंगा कि एक तो रेंट का एक घर दे दूंगा, जिसका रेंट आपको नहीं देना है, प्लस मंथली आपको कुछ बेनिफिट भी दिया जाएगा, मंथली बेनिफिट दे दिया जाएगा। तीसरा,
आपको मैं न्यू फ्लैट दूंगा अपने इस नए अपार्टमेंट में, तो एकदम नया चकाचक आपको बना करके दिया जाएगा। लोगों ने कहा बहुत बढ़िया चीज बता रहा है यार, ये तो मजा आ गया, पैसा भी दे रहा है, नया घर भी बना के दे रहा है, रेंट भी हमसे नहीं ले रहा है। तो लोगों ने कहा ठीक है, ओके, नो दिक्कत। तो यहां पर क्या है, फोर स्टोरी पे जितने भी लोग रहते थे सब लोगों को ये कंपनी क्या है, प्लेस कर दी। लेकिन कंपनी को चाहिए फंड, किसके लिए, दो चीजों के लिए, एक जो लोग हैं उनको वापस से रिहैब कराने के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए, दूसरा कंस्ट्रक्शन के लिए। कंस्ट्रक्शन के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए मान लेते हैं इनके पास ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ था, तो इन्होंने क्या किया, सबको रिहैब करा दिया, लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए इनके पास पैसा पड़ा हुआ नहीं है। अब ये कंपनी क्या कर रही है, ये कंपनी बॉन्ड जारी कर देती है। एक ऑप्शन ये है, तो बॉन्ड जारी करना, ये तो चलिए ठीक है, सेफ गेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑन पेपर आ गया ये, तो ऑन पेपर जब भी कोई चीज होती है तो लॉ के टर्म में पकड़ ली जाती है। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, बॉन्ड वगैरह नहीं जारी किया, इन्होंने क्या किया, बंदों को पकड़ना शुरू किया और कहा बंदों को, एक काम करो तुम मुझे 10,000 रुपए दो, मैं तुम्हें साल भर के बाद में, मतलब कि आफ्टर वन ईयर, मैं तुमको 15,000 दूंगा। कुछ लोग होते हैं बेवकूफ, वो इसमें फंस जाते हैं। इन्होंने कहा ठीक है, 10,000 रुपए इन्होंने ट्रांसफर मार दिया, 10K ट्रांसफर मार दिया। इनको बोला गया कि एक काम करिए, अगर आप अपने अंडर में कुछ बंदों को जोड़ेंगे और इसी तरीके से अगर वो 10,000 रुपए जमा करेंगे तो मैं आपको 10,000 का 10% आपको दे दूंगा। इन्होंने कहा यार बड़ा खतरनाक चीज है यार, 15,000 रुपए भी दे रहा है, 10% और दे रहा है। तो इन्होंने क्या किया, दो बंदों को और जोड़ा, एकदम सीखा पढ़ा करके 10,000 रुपए और दे दिए। कंपनी के पास 20,000 रुपए और आ गया, मतलब कंपनी के पास टोटल आ गया 30,000 रुपए। और ये लोग सपना देख रहे हैं कि 15,000 प्लस 1,000 रुपए और आएगा हमारे पास, 1,000 का मतलब 10% यहाँ पे, 10% यहाँ पे, टोटल मार करके 2,000 रुपए। तो इनको मिलेगा टोटल मार करके कितना, 17,000 रुपए। ठीक, 1,000 को 17,000 में तब्दील कर दिया गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, इनको बोला गया अपने नीचे दो बंदे जोड़ना, अपने नीचे दो बंदों को जोड़ना, अपने नीचे दो बंदों को जोड़ना, अपने नीचे दो बंदों को जोड़ना। 40,000 रुपए और आ गया कंपनी के पास, कंपनी के पास 30 पहले से था, 40 और आ गया, 70,000 रुपए आ गया। 10-10% इनको देना रहेगा। तो ये भी लोग सोचेंगे कि अब हमारे पास 4,000 रुपए और आ गया, मतलब कि जो 10,000 वाली चीज है वो पहुंच गई अब 21,000 पे। ये लोग सोचेंगे कि हमारे पास अब आ गया 11,000 रुपए, 11,000 रुपए, मतलब 16,000 रुपए। तो इस तरीके से कंपनी लगातार पैसा रेज करती आ रही है और ये करोड़ों में कंपनी कमा ले रही होती है। अब एक होता क्या है, चूंकि इनको कोई पेपर पे तो दिया नहीं गया है, अब ये कंपनी वाला क्या है, जब अच्छा खासा इनके पास पैसा हो जाता है करोड़ों में, तो ये क्या करते हैं, अगले ही दिन अपनी दुकान को बंद करके तुरंत ये कट लिए, ये अपना कट लिए, यहां से निकल लिए। अब ये जितने भी लोग हैं सब लोग पहुंचेंगे, अपना सिर फोड़ेंगे, एक दूसरे का सिर फोड़ेंगे और अल्टीमेटली क्या है, बोलेंगे कि पैसा लेकर के बंदा भाग गया। इस पूरे सिस्टम को, इस तरीके के स्कैम को बोला जाता है पोंजी स्कैम। क्यों, क्योंकि पहला बंदा जो इस तरीके का काम किया था, इस तरीके का जो दिमाग लगाया था, उसका नाम था पोंजी, और ये पूरा स्कीम तभी से फ्रेम में आ गया। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी आप जब भी कोई चीज इन्वेस्ट करिए, कहीं पर पैसा दीजिए, तो तुरंत के तुरंत उनसे कुछ स्लिप ले लीजिए, कोई ना कोई एक, मतलब कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो रजिस्टर्ड कंपनी के लेटर हेड पे कोई ना कोई सामान ले लीजिए, चेक कर लीजिए क्या उनका GSTN वैलिड है कि नहीं है, चेक कर लीजिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। तो इस तरीके से चीजें कर ली जाती हैं, तब जाकर के कहीं पर भी आप अपना पैसा दीजिए, अदरवाइज योर मनी इज नॉट इन सेफ हैंड। क्लियर, ये पूरा का पूरा हम लोगों ने पोंजी स्कीम के बारे में भी देखा। आगे बढ़ते हैं जरा और हम लोग देखते हैं जरा पेमेंट बैंक और स्मॉल बैंक में अंतर क्या है। अब देखिए क्या होता है, एक होती है जो आपकी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक होती है, जो बड़े लेवल पे होती है, दिस इज इन लार्जर स्केल, ये होती है लार्जर स्केल पे, जैसे हमारी जो SBI हो गई, या PNB हो गया, या एक्सिस हो गया, या HDFC हो गया, ठीक है, या ICICI हो गया। तो हमारे पास ये बड़े स्केल पे बड़े बैंक हैं, लार्जर बैंक हैं। छोटे लेवल पे क्या होती है, हम लोग छोटे छोटे बैंक बनवाने की कोशिश कर देते हैं, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक, जैसे मुथूट आपने देखा होगा, या फिर देखा होगा आपने बंधन बैंक। ये सब स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, छोटे बैंक होते हैं, उतना ज्यादा इनके पास फंड नहीं होता है, इस तरीके की चीजें होती हैं। अब क्या होता है, इन लोगों के सहारे फाइनेंशियल इंक्लूजन करने की कोशिश की गई, लेकिन क्या हुआ, अगेन ज्यादा कुछ खास तरीके से ये फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं कर पाए। तब क्या है, गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम निकाला और कहा कि यार देखो हर एक बंदे के पास आज की डेट में क्या है, मोबाइल फोन, आज की डेट में सबके पास मोबाइल फोन है, तो एक काम करते हैं मोबाइल फोन में कुछ ना कुछ ऐसी प्रक्रिया करते हैं, ऐसा कुछ काम करते हैं जिसके कारण से सारे लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाए,
इसके थ्रू दो काम किया गया, एक तो आधार कार्ड बनाया गया जिसे किया है मोबाइल फोन लिंक हो जाए, और दूसरा जनधन अकाउंट बनाया गया। जनधन अकाउंट में क्या है, अपना सारा कुछ बना तो दिया गया बट इट इज नॉट इजी, ये इजी प्रोसेस नहीं है। तो एक इजी प्रोसेस बनाने के लिए रखा गया इजी प्रोसेस। इजी प्रोसेस में एक नया बैंक का नामकरण हुआ जिसका नाम है पेमेंट बैंक, एक बनाया गया पेमेंट बैंक। नाम से ही पता चल रहा है दिस इज फॉर पेमेंट, मोबाइल का रिचार्ज करना है, डीटीएच का रिचार्ज करना है, बिजली का भुगतान करना है, पानी का भुगतान करना है, तो ये सारा का सारा जो पेमेंट करना होता है इसके लिए बनाया गया पेमेंट बैंक। तो आपको एक पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में अंतर समझ में आ गया। ये क्या है, कह सकते हैं कि नॉर्मल छोटे मोटे काम करने के लिए एक छोटा मोटा बैंक, पिगी बैंक बोल सकते हैं। लेकिन ये क्या है, इससे बड़े लेवल पे लेकिन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक से छोटे लेवल पे, ताकि एक कम्युनिटी लेवल पे ये अच्छा खासा लोगों को हैंडल कर सके। ये पूरा सिस्टम होता है पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, इसके बारे में जरा डिटेल देखना शुरू करते हैं। दिस इज द डिफरेंस दोनों के बीच में। पैरामीटर के बेसिस पे अगर देखते हैं दोनों को, हु कैन प्रमोट, तो देखिए जितने प्रीपेड कार्ड होल्ड इश्यूअर हैं, जैसे जो भी एयरटेल हो गया या फिर वोडाफोन हो गया, जितने भी है, तो प्रीपेड कार्ड इश्यूअर मतलब कि मोबाइल फोन। टेलीकॉम कंपनीज, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट, सुपर मार्केट चेन, कॉर्पोरेट, रियल इस्टेट, कोऑपरेटिव, पीएसयू, ये सारे के सारे इसको प्रमोट कर सकते हैं, बता सकते हैं, जानकारी करा सकते हैं। स्मॉल बैंक का मतलब क्या है, ये बैंक है, तो बैंक है तो सीधी सी बात है इनके पास होना चाहिए क्या, एक फंड होना चाहिए, और दूसरा इनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ, ये पेमेंट बैंक भी आगे जाकर के स्मॉल बैंक में बन सकते हैं जब इनके पास अपना खुद का ये एक्सपीरियंस हो जाएगा। एक्सपीरियंस चाहिए होता है इनको 10 साल का, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इंडिविजुअल प्रोफेशनल विद 10 ईयर एक्सपीरियंस इन फाइनेंस, एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस, कोऑपरेटिव, और इस तरीके से लोकल एरिया बार, इस तरीके से जो चीजें हो जाती है उनको बुलाता है स्मॉल बैंक। ये बैंक एक्टिविटी में रजिस्टर्ड होती है। क्लियर हो गया दोनों में डिफरेंस क्या है। पेमेंट बैंक कैन ऑल्सो बिकम स्मॉल बैंक, और स्मॉल बैंक कैन ऑल्सो बिकम लार्जर बैंक, या फिर बोल सकते हैं शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। यहां पर जरूरत होगी फंड की, बड़ा फंड होता है इनका। क्लियर, कुछ नहीं होता है कि अब इसमें ये कर क्या सकते हैं। तो आप लोगों ने, सब लोगों ने सुना होगा पेटीएम, पेमेंट बैंक का थोड़ा सा एग्जांपल मैं बता देता हूं। जैसे पेटीएम एक पेमेंट बैंक है, इसके अलावा सब लोग जियो यूज करते होंगे, जियो एक पेमेंट बैंक है, ठीक है, पेमेंट बैंक। इसके अलावा एयरटेल आप लोग यूज करते होंगे, एयरटेल एक पेमेंट बैंक है। क्लियर, एयरटेल का तो आजकल बहुत ज्यादा एड भी आता है। इसके अलावा फिनो, ये भी एक पेमेंट बैंक है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेमेंट बैंक जो होती है वो गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया हुआ है, और ऐसे लोगों का नाम जनरली आप ऐसे लोगों का नाम ही सुनेंगे जो जनरली मोबाइल फोन के थ्रू कनेक्टेड है। दिस फिनो, ये कई बार क्या होता है कि आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, दिस इज बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है जो इस तरीके के काम को कर रही होती है। बाकी जो है वो मोबाइल फोन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और छोटे मोटे काम कर सकते हैं। जैसे इट हैज मिनिमम कैपिटल ऑफ 100 करोड़ का इनका खुद का कैपिटल होना चाहिए, तभी इनको पेमेंट बैंक का दर्जा दिया जाएगा, इनको लाइसेंस दिया जाएगा। अब जैसे देखिए, एक और चीज क्लियर कर देता हूं मैं, 100 करोड़ को इनका अपना फंड बना करके रखना है। अब जैसे बैंक को क्या होता है, अपना कुछ रिजर्व मेंटेन करके रखना होता है ना, रिजर्व, जैसे सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया। तो इनके पास क्या होता है कि कोई दिक्कत नहीं होती है, हालांकि स्मॉल बैंक का भी जो सीआरआर एसएलआर जो होता है बाकी बैंक से हाई होता है, ज्यादा रखा जाता है। लेकिन पेमेंट बैंक, ये तो अभी नए नए पैदा हुए हैं, तो इनको क्या है, बहुत ज्यादा मेंटेन करना होता है। 75% ऑफ द बैंड इन गवर्नमेंट बॉन्ड में मेंटेन करके रखना होता है, मतलब कि एसएलआर में मेंटेन करके रखना होता है। मेंटेन 25% ऑफ डिपॉजिट इन अदर बैंक, बाकी के बैंक में 25% मेंटेन करके रखना होता है। इसके अलावा हैव एटलीस्ट 26% इन्वेस्टमेंट बाय इंडियंस, इनमें इंडियन का इन्वेस्टमेंट 26% के नियर अबाउट में होना चाहिए। गेट लिस्टेड इफ नेटवर्क, यानी कि एक तरीके से क्या बोल सकते हैं यहां पर कि इनमें 74% तक एफडीआई इंक्लूडेड है। क्लियर है, 26% का मतलब यही है, 74% जो होता है वो एफडीआई है। गेट लिस्टेड इफ वर्थ क्रॉस 500 करोड़, 500 करोड़ से अगर ज्यादा हो जाता है वर्थ तब ये लिस्ट हो सकते हैं। हैव 25% ऑफ ब्रांच इन अनबैंक्ड एरियाज, बी फुल्ली नेटवर्क एंड टेक ड्रिवन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए। हैव 1 लाख कैप फॉर डिपॉजिट इन वन अकाउंट, मतलब कि कोई बंदा अगर पेमेंट बैंक बनवाता है तो एट मैक्स 1 लाख रुपए वो केवल और केवल डिपॉजिट कर सकता है, इससे ऊपर ये डिपॉजिट नहीं कर सकता है क्योंकि छोटे लेवल पे ये है। बाकी इनके लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करें तो ये 100 करोड़ का इनका फंड होना चाहिए। 75% लोन टू प्रायोरिटी सेक्टर को दिया जाता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में हम लोगों ने बात किया था ना, जो
जो हमारे बड़े बैंक होते हैं शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, उनके लिए 40% है, इनके लिए ये है 75% लोन टू प्रायोरिटी सेक्टर। 25% ब्रांच जो होने चाहिए वो हमारे अनबैंक्ड एरियाज में होने चाहिए। मेंटेन रिजर्व रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, इनके लिए भी रिजर्व रिक्वायरमेंट होती है, इनके लिए भी होती है। इनके लिए टफ होती है, मतलब ज्यादा रिजर्व रखना होता है, इनको रिलेटिवली कम रखना होता है। कैन लोड टू एनी इंडिविजुअल, लोड नहीं, लोन, लोन लोन दे सकते हैं किसी को, ये लोग लोन नहीं दे सकते हैं, ये याद रखिएगा, लोन नहीं दे सकते हैं, ये लोग क्रेडिट कार्ड भी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। हैव अ बिजनेस करेस्पॉन्डेंट नेटवर्क, इसके पास भी होता है, इसके पास भी होता है। अब क्वेश्चन ये होता है ये लोग कर क्या क्या सकते हैं, तो ऑफर इंटरनेट बैंकिंग, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग करते हैं। सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड बेच सकते हैं, इंश्योरेंस बेच सकते हैं, पेंशन बेच सकते हैं, मोबाइल फोन का बिल पेमेंट करवा सकते हैं, या कोई बिल पेमेंट, अदर भी बिल पेमेंट करवा सकते हैं, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, एटीएम कार्ड दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो होता है वो इस तरीके की सिस्टम ये लोग कर सकते हैं। यहां पर क्या है, ये लोग फॉरेन एक्सचेंज की करेंसी को बेच सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जो है कहीं जाना है, मान लीजिए यूरोप जाना है, तो यूरोप में क्या है कि आपको यूरो करेंसी लेके जानी पड़ती है, क्योंकि वहां पर रुपए नहीं चलता है। तो आप क्या करेंगे, रुपए को यूरो में कन्वर्ट करवाएंगे। तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन होता है कि जो लोकल दुकानें वगैरह होती है मनी एक्सचेंजर, तो वहां चले जाइए, लेकिन वहां क्या है, रेट वेट अच्छा नहीं मिलता है और आपको नुकसान हो जाता है। तो आप चले जाइए बैंक के पास, बैंक के पास अच्छा खासा जो होता है स्टॉक होता है, और वो आपको अच्छे रेट पे दे देते हैं पैसा, फॉरेक्स मनी। तो फॉरेक्स मनी आप यहां से ले सकते हैं, लेकिन यहां से नहीं ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड बेच सकते हैं, इंश्योरेंस बेच सकते हैं, पेंशन बेच सकते हैं, फुल फ्लेज्ड बैंक होते हैं, इस तरीके से सब चीजें कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर लोन वगैरह भी दिया जा सकता है, तो ये सब चीजें हैं। क्या ये नहीं कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते हैं, लोन नहीं दे सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर रेमिटांस को ये लोग नहीं कर सकते हैं। मतलब कि देखिए, मनी ऑर्डर आया तब तो ये लेंगे, मनी ऑर्डर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस बॉर्डर हैंडल कर लेंगे। एनआरआई के डिपॉजिट को ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि एफडीआई को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्लियर। इसके अलावा ये क्या है, लार्ज लोन ले सकते हैं, फ्लोट सब्सिडियरी, कैंडील इन सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट, कुछ भी कर सकते हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं, यहां पर कोई रोक टोक नहीं है, क्लियर हो गया। दोनों में डिफरेंस क्या है, पेटीएम, तो पेटीएम से आपको ये पता लग गया कि अभी क्या है, नया नया पैदा हुआ बैंक है जिसके ऊपर हाई, मतलब हाई मेजर्स लिए गए हैं कि कोई कहीं से ये फेल ना हो, क्योंकि अगर छोटे लेवल फेल हो जाएगा तो बहुत ज्यादा जनता को नुकसान हो जाएगा। स्मॉल बैंक क्या होते हैं, ये इनसे हाईटेक होते हैं, लेकिन इनसे बहुत ज्यादा इनपे भी दबाव नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली दबाव रहता है हमें शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक वाले लोगों के ऊपर। क्लियर हो गया क्या चीज है, तो ये सारा चीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट आवर एनबीएफसी के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा, अब जरा डिफरेंस हम लोग देखना शुरू करते हैं एनबीएफसी और बैंक में क्या है। हम लोगों ने बैंक में अब देखा था ना, कई सारे बैंक है, एक तो हमारा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, फिर होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, और तीसरा हम लोगों ने देखा है पेटीएम बैंक के बारे में। तो इन तीनों में तो हमारा डिफरेंस वगैरह हम लोगों ने देख लिया, सब कुछ क्लैरिटी आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जरा देखते हैं एनबीएफसी और बैंक में क्या डिफरेंस है, क्योंकि एनबीएफसी का कई बार नाम वगैरह लिया गया है, हालांकि कई सारे इसके बारे में समझ भी गए हैं, पर चलिए थोड़ा सा इसके डिफरेंस के बारे में भी देख लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो ज्यादा आसानी से क्लैरिटी आ जाएगी। एनबीएफसी दे प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस टू द पीपल विदाउट होल्डिंग एनी बैंक लाइसेंस, ठीक है। ये कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं, तो इस वजह से ये केवल क्या है, ये एक कंपनी होते हैं, दे आर नॉट द बैंक। और जबकि ये लोग क्या है, बैंक है, यानी बैंकिंग एक्टिविटी में ये लोग रजिस्टर्ड होंगे। तो बेसिकली ये लोग जो होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। ये लोग देखिए कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो गए हैं, बाकी एक बार फटाफट मैं आपको दिखा देता हूं तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये रेगुलेट हो जाते हैं कंपनी एक्ट के द्वारा, कंपनी एक्ट 2013 रखा गया है, क्यों, क्योंकि 1955 के बाद ये अमेंड कर दिया गया, अमेंडमेंट के बाद ये पूरा सिस्टम बन के आया 2013 वाला, क्लियर है। बाकी लोग डीडी ले सकते, कैन नॉट एक्सेप्ट, मतलब डीडी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होती है 100% अलाउड है, ठीक है। ये बेसिकली किस लिए बनाया गया है, लोन के लिए, या फिर कह सकते हैं फाइनेंस कराने के लिए बनाया गया है, इंश्योरेंस वगैरह कराने के लिए बनाया गया है। तो दे आर नॉट द बैंक्स, और बैंक नहीं है तो सीधी सी बात है ये लोग डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट 100% अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम नॉट ए पार्ट ऑफ द सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट और सेटलमेंट ये लोग को करना नहीं होता है। मेंटेनेंस ऑफ रिजर्व नहीं जरूरी है, क्यों, क्योंकि बैंक नहीं है तो सीधी सी बात है इनको कोई रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो डिपॉजिट वगैरह का कोई दिक्कत नहीं, इंश्योरेंस वगैरह का। क्रेडिट कार्ड क्रिएशन एनबीएफसी नहीं करता है, क्यों, क्रेडिट कार्ड क्यों देगा, सीधे सीधे ईएमआई जो होता है वो कर रहा होता है। ट्रांजेक्शन सर्विस जो होती है वो नहीं होती है, क्योंकि ये बैंक नहीं है। तो सीधी सी बात है बैंक का काम क्या होता है, सेविंग्स अकाउंट खोलना, ट्रांजेक्शन करना, और ये सारा काम ये लोग नहीं कर सकते हैं। केवल और केवल क्या कर सकते हैं,
कोई फाइनेंस वगैरह कराना है, जैसे क्या है कभी आप लोगों ने गाड़ी वाड़ी ली होगी तो आपको पता होगा किस तरीके से फाइनेंस होती है और किस तरीके से ये कटता है। बेसिकली क्या करते हैं ये लोग, बैंक का पेपर ले लेते हैं, बैंक के पेपर के बाद ये धीरे धीरे इससे मंथली वाइज अपने आप अकाउंट से कटता जाता है। करते क्या है ये लोग, आपसे एक ये ब्लैंक चेक लेंगे, मतलब ब्लैंक चेक क्या, ये क्रॉस चेक लेते हैं, क्रॉस्ड चेक। और क्रॉस चेक के बाद क्या होता है कि आपको बोल देंगे कि भाई 1,00,000 रुपए का आप मतलब इस तरह से चेक ले लीजिए और इसको क्रॉस कर दीजिए। ये बेसिकली क्या होता है, प्रूफ के तौर पे यूज होता है इसका। कभी मतलब ये चेक वगैरह कभी जो होता है वो बैंक अकाउंट में जाकर के ये लोग उसको सबमिट नहीं करेंगे कि बाउंस हो जाए या कोई दिक्कत हो, ये कि बेसिकली प्रूफ के तौर पे रखा जाता है कि हाँ आपने मुझे बैंक का ये चेक दिया हुआ है। क्लियर हो गया क्या चीज है? बैंक के बारे में अगर बात करें, दे आर द ऑथराइज्ड फाइनेंशियल इंटरमीडियरी विच एम एट प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विस टू पब्लिक रेगुलेटेड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। क्लियर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है केवल 74% तक प्राइवेट सेक्टर बैंक में। ठीक है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इसका पार्ट होता है क्योंकि बैंकिंग फैसिलिटी है। रिजर्व मेंटेन करना होता है, मैंडेटरी होता है CRR और SLR के फॉर्मेट में। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी अवेलेबल होती है। क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं या ट्रांजेक्शन बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि सारा का सारा बैंकिंग एक्टिविटी के अंतर्गत ही आ जाता है। तो क्लैरिटी हो गई होगी कि दिस इज बेसिकली नॉन बैंक एंड दिस इज बैंक, तो दोनों में ही जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा, इस तरीके से चीजें हो जाएंगी। नाउ दिस इज आवर लास्ट टॉपिक और हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं रेगुलेटर्स के बारे में। जैसे RBI है, जितने भी बैंक्स वगैरह हैं सबको मैनेज की जाती है किसके द्वारा, RBI के द्वारा। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है तो कोई मतलब नहीं है वापस से डिस्कशन करने का। नेक्स्ट होती है हमारी एक्जिम बैंक। एक्जिम बैंक का मतलब जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हेल्प कर रही होती है, फाइनेंस प्रोवाइड कर रही होती है। जैसे जितने भी हम लोगों ने एक जब इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस किया था तो वहां पे मैंने आप लोगों को MEIS और SEIS स्कीम के बारे में बताया था, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंश्योरेंस फैसिलिटी सर्विस और जो हमारी सर्विस एक्सपोर्ट इंश्योरेंस सर्विस, इस तरीके से मैंने आप लोग को बताया हुआ था। और ये सारा का सारा किसके द्वारा किया जाता है, एक्जिम बैंक के द्वारा किया जाता है, एक्जिम बैंक के द्वारा। क्लियर हो गया। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड इन 1982, ये सब याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं आपको क्योंकि आप बैंक का पेपर नहीं दे रहे हैं, ये तो जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए दिया गया है कि हाँ ठीक है आप इस तरह से देख सकते हैं। अंडर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981, इट इज अ कैटलिस्ट एंड की प्लेयर इन प्रमोशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो आपको आराम से नाम से ही पता चल जा रहा है कि दिस इज क्रॉस बॉर्डर बेसिकली। नेक्स्ट होता है हमारा NHB जो हाउसिंग के लिए होता है बेसिकली। तो जितने भी हाउसिंग वगैरह के इस तरह रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, बैंक्स होते हैं, वो सारे के सारे इसी के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं। दिस इज अ सब्सिडियरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सब्सिडियरी है जो स्पेशल केवल और केवल हाउसिंग सेक्टर को देख रही होती है। एस्टैब्लिश किया गया था 1988 में अंडर द नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 एंड प्रिंसिपल एजेंसी टू प्रमोट हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बोर्ड एट लोकल रीजनल लेवल एंड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट ओनली इन हाउसिंग सेक्टर। तो जितने हाउसिंग सेक्टर के होते हैं उसमें केवल और केवल ये काम कर रही होती है। क्लियर हो गया। जैसे DHFL हो गया, DHFL जो होती है किसके द्वारा रेगुलेट होती है, इसी हाउसिंग के द्वारा रजिस्टर्ड होती है। हालांकि दिस इज NBFC, ये NBFC होती है और ये कंपनी एक्ट के अंतर्गत आती है, तो कंपनी एक्ट के अंतर्गत आती है, फिर भी इनके द्वारा ये निर्देशित होते हैं, इनके द्वारा डायरेक्टेड होते हैं, दे आर नॉट बीन रेगुलेटेड बट दे आर डायरेक्टेड। ठीक है, इसके बाद होता है नेक्स्ट हमारा आता है नाबार्ड। नाबार्ड का मतलब क्या होता है, नाबार्ड का मतलब ये है कि दिस इज नाबार्ड और यहां पर RRBs है। RRBs के टॉर्न में मैंने आप लोग को बताया था कि ये बेसिकली क्या है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है किसके सेक्टर में, एग्रीकल्चर वगैरह के सेक्टर में ये लोग फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। RRB को पैसा कहां से मिलता है, RRB को पैसा कभी भी RBI से नहीं मिलता है, RRB को पैसा मिलता है नाबार्ड के थ्रू। नाबार्ड को पैसा कहां से मिलता है, नाबार्ड को पैसा मिलता है RBI के थ्रू, और इस तरीके से ये चेन बन जाती है। अब जैसे क्या है, RBI का ऑलरेडी बहुत सारा काम है तो इसके लिए इन्होंने नाबार्ड अपनी एक सब्सिडियरी बना के रखी है जो मतलब इस तरीके की चीजों को देख रही होती है। सिमिलरली जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक है जो कि हाउसिंग के लिए देख रही होती है, तो ये बेसिकली हाउसिंग के लिए देख रहा होता है। क्लियर। तो नाबार्ड एस्टैब्लिश ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बी शिवारमन कमेटी ऑन 1982 मैटर कंसर्निंग पॉलिसी प्लानिंग एंड ऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी इन रूरल एरियाज इन इंडिया। क्लियर हो गया। इसके अलावा होता है सिडबी। सिडबी का मतलब क्या होता है, जितने भी छोटे बैंक होते हैं, स्मॉल बैंक होते हैं, या कह लीजिए कि जो न्यू एंटरप्रेन्योरशिप होती है, न्यू MSME सेक्टर होती है, उनको फंड यहीं से मिलता है, सिडबी के थ्रू होती है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब थोड़ा सा चार्ज इनका ज्यादा होता है क्योंकि MSME सेक्टर, इनको लोन अमाउंट चाहिए होता है, तो बेसिकली इनका टारगेट होता है पैसा पाना है, लोन कितना इंटरेस्ट है इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो इट इज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1990 अंडर पार्लियामेंट्री एक्ट प्रोवाइड रीफाइनेंस फैसिलिटी एंड शॉर्ट टर्म लेंडिंग टू इंडस्ट्रीज। क्लियर।
जब भी शॉर्ट टर्म हमें लोन देना होता है तो हमेशा जो लोन का इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा सा ज्यादा रखा जाता है। एंड सर्व एज अ प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन एमएसएमई सेक्टर, ठीक है, एसबीआई इज द लार्जेस्ट स्टेक होल्डर, तो इसमें एसबीआई जो होता है वो लार्जेस्ट स्टेक होल्डर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा का पूरा हमारा बैंकिंग के बारे में देखा, बैंकिंग सेक्टर हम लोगों ने काफी डिटेल में देखा है और हमारा लगभग लगभग खत्म हो गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट मतलब जो डिस्कशन करेंगे वो हम लोग करेंगे हमारा रिलेटेड विद व्हाट, रिलेटेड विद टैक्सेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप उस पर ज्वाइन कर लीजिए और उस पर अपने डाउट को रेज कर सकते हैं और उस तरीके से हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।